हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आज मैं वो नुस्खा आपको बता रहा हूँ, शायद ही 1 करोड़ हकीम में से किसी एक को पता होगा, क्योंकि यह एक लैब नुमा काम है, साइंस का काम है, तो इसलिए इसमें हकीमों का कोई कसूर नहीं है। तो यह बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैंने महारथी 2 में कैप्सूल बनाए थे, और जिसमें मैंने कहा था कि उसमें जौहर कुचला डाला था। तो बहुत से दोस्तों के आज तक मैसेज आते रहे कि हकीम साहब जौहर कुचला बनाना बताएं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया था कि हर आदमी के बस की यह बात नहीं है। और जब मैं वीडियो बना भी दी तो फिर लोगों को सामान मिले ना मिले वो मुझसे पूछते रहेंगे, कहाँ से मिलेगा, आप हमें भेज दो, क्योंकि यह बिना तजर्बेकार हकीम का काम नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि हकीम जिन्होंने इतने इतने बड़े महारथी बना लिए हैं, तो वो उनको तजर्बे हो चुके हैं और उनको साइंस लैब का भी कुछ हिसाब आ चुका है। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो लेकिन दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ना तो मैं स्टिकनियाँ बेचने के लिए बनाऊंगा, और ना ही मैं किसी को दूंगा, और ना ही यह मुझे कोई मैसेज करे, क्योंकि जिसको मेरी बातों की समझ आ जाएगी वो खुद बना लेगा, मैं इसमें कसर नहीं छोड़ूंगा। तो जो दोस्त बिना वजह से उनको पता नहीं है सिंगरफ का भी, तो पूछते हैं मुझे संख्या कहाँ से मिलेगा, और वो संख्या के या सिंगरप के नुस्खे बनाने के लिए तैयार हैं, उनको नंबर ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, केवल 24 घंटे फ़ोन पे रहने के लिए। तो ये आबड़ खाबड़ जो मुझे बिना मतलब के मैसेज करते हैं, मुझे केवल मैसेज वही करे जिसको समझ है, नहीं तो दूसरों अपना और भी कुछ पूछने के लिए अगर उनको समय है वो भी गवा बैठेंगे, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यह पक्की बात, और दूसरे जो मुझे फ़ोन करते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको तरीका बताता हूँ स्टिकनियाँ बनाने का, यह केवल माहिर हकीमों के लिए है, आम आदमी के लिए यह नहीं है। दोस्तों ये है कुचला, खाम यानी कचला, कच्चा कुचला ऐसा होता है। तो ये है कुचला बन रहा है। जो दोस्तों आपने क्या करना है, जितना आपको कुचला आप एक बार में ले सकें, उसमें केवल शीशे के बिकर और शीशे के बर्तन ही प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी दांत का इसमें लगाना मना है, किसी भी प्रकार की दांत हो वो नहीं लेनी, केवल शीशे के लैब नुमा बिकर ही लें। दोस्तों क्या करना है कि जितने आपको चाहिए कुचले, इनको धोकर, जैसे ये होता है ना गंदगी सी, तो बिल्कुल अच्छी तरह गर्म पानी से धोकर इनको सुखा लें। सुखाने के बाद एक बीकर में डाल लें। बीकर में डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना, इसमें हाइड्रोजन 70% हो, हाइड्रोजन 70%। अब लोग पूछेंगे 70% हाइड्रोजन कहाँ से मिलती है, यह एक जो लसंस नुमा हकीम होगा और उसको पता है, यह साइंस लैब से ही मिलती है। तो मुझे इसके लिए भी मैसेज ना करें, मैंने आपको बता दिया साइंस लैब से मिलेगी, और 70% अगर आपको मिल जाए तो वो लेंगे। तो ऐसे कुचलों को में डाल दें और यह कुचले गलते चले जाएंगे, ऐसा इसके उसको करते रहेंगे, ये जैसे फूले हैं
इनका अगर 70% आपको मिलती है तो यह इसको पाउडर बना देगी जैसे ये बना हुआ है, ठीक है जी। तो इसको कांच की ही डंडी से हिलाना है, ऐसे हिलाते रहे। जब आपने देखा यह थोड़ा थोड़ा रिएक्शन होता रहता है तो ऐसे यह पाउडर बन जाता है। जब ऐसा वाइट नुमा पाउडर बन गया तो फिर हमने क्या करना है दोस्तों, जब यह पाउडर बन गया, अब देखो इसके अंदर हाइड्रोजन है, फिर हमने इस हाइड्रोजन को उड़ाना है इसमें से। और एक सावधानी बरतनी है, जो हाइड्रोजन होती है बहुत तेज होती है, अगर आपके हाथ पे लग जाएगी तो वहां से फूंक देगी, ये ध्यान रखना। फिर दोस्तों आपने क्या करना है, जब यह पाउडर बन गया इसको एक बर्तन ले, अगर पीतल का हो तो अच्छा है, हम तो पीतल का लेंगे, आप कोई सा भी ले लें, उसके ऊपर बीकर को रखें, किसी तरीके से भी कोई जाली बांध लें, यानी कि इसके ऊपर बाफ लगे पानी की, उस बर्तन में पानी भरकर और बीकर को ऊपर रख देंगे, नीचे से आग जलती जाएगी जलती जाएगी, और इसमें जितनी हाइड्रोजन है उसको उड़ा देना है। रेत जंतर पर बिल्कुल नहीं उड़ानी, केवल पानी की भाप से ही उड़ानी है। जब पानी की भाप से उड़कर यह पाउडर बिल्कुल आपका सूख जाए, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, एक ऐसे कांच की बोतल लेनी है जिसके ऊपर ऐसा कांच का ही एयर टाइट ढक्कन हो, वो आपके पास हो, और इस बिकर में आपने क्या करना है, यह पाउडर को ऐसे किसी बोतल में जहाँ चूड़ी नुमा जार हो, ऐसा बर्तन हो जिसका ऊपर से बंद एयर टाइट बंद हो जाता हो, उसमें यह पाउडर डालकर और जितना आपका पाउडर है उससे दो उंगल ऊपर तक रेक्टिफाइड सिप्रेट आ जाए वो डाल देनी है। ये पाउडर सूखने के बाद फिर दोस्तों क्या करना है, वो पड़ा रहेगा तो एक दो दिन में वो जो सिप्रेट का रंग है वो बिल्कुल लाल सुर्ख रंग का हो जाएगा। जब वो लाल सुर्ख का रंग हो जाए तो किसी ड्रॉपर से या किसी तरीके से वो सारी सिप्रेट निकाल कर किसी और एयर टाइट शीशी में डाल दें और उसको बंद करके रख दें, और उस पाउडर में दोबारा फिर सिप्रेट डाल दें। अगर उसका रंग फिर लाल हो गया तो वो निकाल लें, यानी कि जब तक आपने निकालनी है, जब तक सिप्रेट का रंग सुर्ख हो जाए तो वो निकाल लें, बाकी बाद में यह कुचला फेंक दें। फिर आपने दोस्तों क्या करना है, एक 100 ग्राम या 200 ग्राम चूना लें और उसको 2-4 किलो पानी में घोल दें। घोलने के बाद उसका मुकत्तर ले लें, बिल्कुल फिल्टर पानी ऊपर जो बैठा वो सरिंज से या किसी चीज़ से ले लें और उसको आग पे खुश कर लें। यह जो हर भी मान सकते हो, इसको सत भी मान सकते हो और नमक भी मान सकते हो, ये चूने का आपके पास मुकत्तर रस चूना आ जाएगा पाउडर। फिर आपने क्या करना है, इस सिप्रेट को जो निकाली हुई है उसको किसी जार में डालकर रख दे। मान ले आपकी 200 ग्राम या 300 ग्राम सिप्रेट है तो उसमें एक चुटकी इस चूने का सत डाल दें और उसको धूप में रख दें, उसमें से सिप्रेट सारी निकल जाएगी और जौहर कुचले के क्रिस्टल की तरह कण आपको नीचे मिलेंगे बर्तन में, उसको इकट्ठा कर लें। अब दोस्तों यह आपका जौहर कुचला तैयार है, और यह जौहर कुचला इतना तेज है, इतना तेज है कि आपने इसकी कोई रति का चौथाई भाग या आठवां भाग किसी 150 ग्राम दवाई में डालना है, तो वो मेडिसिन आपकी बहुत तेज दवाई बनेगी। और जिनके वाल तंग हो जाते हैं, हाड़ के वाल, उनको खोलने के लिए ऐसी दवाइयों में पड़ती है, और सेक्स में सबसे ज़्यादा किसी मेडिसिन का फटाफट किसी को इलाज कराना हो, फौरी तौर पे उसको फटाफट उठाना हो, तो उसमें यह जोहर कुचला किसी रति चौथाई रति के हिसाब से डालें 150 ग्राम दवाई में,
तो वो फटाफट आदमी को उठा देगा। अब जिन दोस्तों के पास वो मेरे कैप्सूल गए थे महारथी टू गए, अबला तो जिसको मैंने महारथी दिया है उसको मैं कैप्सूल गिफ्ट में देता रहा हूँ, ताकि उनको दिन में वो दवाई खाते हैं तो रात को उससे एक कैप्सूल से ही इंतशार आ जाता है। वो कैप्सूल ऐसे बनते हैं कि जैसे मान लो लोग विगोरा गोली खाते हैं, ये आयुर्वेदिक ओरिजिनल विगोरा गोली का काम कर देते हैं। वो विगोरा गोली टाइम के टाइम आदमी को उठाती है, और यह जड़ी बूटियों में बने हुई विगोरा आदमी को फटाफट उठा भी देती है, उसका इंतशार भी पैदा कर देती है, शरीर के नफ्स की तरफ खून को धक्का लगा देती है, खून में उसके नफ्स में खून पहुंच जाता है, उसको इंतशार आने लग जाता है। तो कोई भी सी मेडिसिन खा रहा तो उसको वो नामर्दी ठीक करने में फ़ायदा करती है। अकेले भी कोई शौकी तौर पे मान लो कोई फोर्स गोलियां खाता है, जैसे ये विगोरा जैसी गोलियां खाते हैं, तो उनको विगोरा गोलियां बिल्कुल नामर्द कर देती हैं, और उसके बाद उनको दवाइयां बड़ी मुश्किल से काम करती हैं। तो उनके अगर वो ये देसी दवाइयाँ विगोरा गोली खाते हैं, ये आयुर्वेदिक गोली हो या कैप्सूल बनाएं आप, तो उनको बिना नुकसान से उनका विगोरा गोली वाला काम पूरा कर सकती है। और हकीम जिनको स्टिकनियाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो इस तरीके से बना लेंगे, तो उनके क्लिनिक में चार चांद लगेगा। सो दोस्तों, यह सीने का राज मैंने आपको आज बता दिया है, तो इसको बना कर रखें, और जो दोस्त बना सकता हो, जिस दोस्त को नहीं बनाना आता वो हरगिज़ इस पे ध्यान ना दे, क्योंकि ये हर आदमी की बस की रोग नहीं है। यह जोर कुचला अगर थोड़ा सा किसी को ज़्यादा खिला दिया जाए, अनपढ़ हकीम हो, तो वही बात होती है ना जो पुराने लोग बोल के जाते थे, नीम हकीम और जान का खतरा, ये ज़्यादा खिला देंगे तो आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है। यह इसीलिए जो मुझसे बोलते थे, मैं इसलिए बोलता था कि यह चीज़ एक बैनुमा चीज़ है, क्योंकि अनजान आदमी इसको बना नहीं सकते। अनजान आदमी अगर बना ले तो वो गलती से ज़्यादा खवा दे तो उसको परेशानी होती है। मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती यही करता हूँ कि अनजान आदमी इसको बिल्कुल नहीं बनाएगा। जो हकीम जिन्होंने मेरे महारथी बनाए हैं उनको, और जो मेरे दवाइयाँ बना रहे हैं उनको फुली छूट है, कि अगर उनको समझ आती है तो वो अगर बनाना चाहते हैं तो वो मैसेज एक आधा 30 सेकंड का करके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं उनको ज़रूर बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।